केंद्रीय कारागार में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य श्री मधुर जी महाराज ने कथा का शुभारंभ किया। कथा के पहले दिन श्री कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया। सेंट्रल जेल में कैदियों की मानसिकता बदलने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है। शुक्रवार को विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भागवत कथा की शुरुआत की गई। आचार्य श्री मधुर जी महाराज का कहना है कि जातिवाद के नाम पर आपस में बिखराव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी धर्म की शक्तियां और मंजिल एक है। जेल में रह रहे कैदी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। नहीं, इस तस्वीर में अंतर तो कुछ है ही नहीं, और ये दृश्य मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ। हमारे परम सम्माननीय और परम स्नेही आत्मप्रिय वर्तमान में आगरा रेंज के DI साहब राधा कृष्ण मिश्र जी साथ में उपस्थित हैं। इनकी सानिध्यता में यूपी के लगभग मैं 25-30 जेलों में कार्यक्रम कर चुका हूँ, और हिंदुओं का नवरात्र चल रहा है, मुसलमानों का रमजान चल रहा है, तो ये कोई भिन्नता की बात नहीं है। मार्ग अलग हो सकते हैं, मजहब अलग हो सकते हैं, मंजिल तो एक ही है। हमारी आपकी नज़रों में राम जी अलग हैं, अल्लाह मियाँ अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, ये तो हमारी मानसिकता पर निर्भर कर रहा है। वास्तविकता में तो सब एक हैं। परमात्मा मनुष्यों में विभाजन होता है, हम लोग आपस में एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं। परमात्मा शक्तियाँ आपस में कभी किसी को अलग नहीं मानती, वो सब एक ही हैं। अगर राम जी ऊपर हैं तो अल्लाह मियाँ नीचे नहीं हैं, अल्लाह मियाँ भी ऊपर हैं, कृष्ण भी ऊपर हैं, राम भी ऊपर हैं। कैदियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए DIG जेल RK मिश्रा जेल की चार दीवारी के अंदर श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। इससे पहले भी RK मिश्रा कई जेलों में इस तरह की भागवत कथा करा चुके हैं। सेंट्रल जेल के अंदर मंदिर के पास पार्क में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम कैदी कथा का आनंद ले रहे हैं। भागवत कथा के पहले दिन श्री कृष्ण भगवान की कथा का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ, इस वजह से आचार्य ने पहले दिन श्री कृष्ण भगवान की कथा का रसपान कैदियों को कराया। देखिये, हम लोग एक देश के निवासी है, और भारत में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय और लिंग के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। ये व्यवस्था हमारे संविधान की है और हमारे समाज की भी है। बहुत कुछ थोड़े लोग हैं जो धर्म और जात के नाम पर जो है वितृष्णा या घृणा समाज में फैलाते हैं। मैंने इस कारागार में ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसके लिए अभी विगत दिनों हम लोगों ने सभी बंदियों को बैठाकर कवि सम्मेलन कराया। अभी नवरात्र का जब प्रारंभ था कल परसों, तो उसमें हमने देखा कि लगभग 15-20 हमारे मुस्लिम बंधु वो हमारे मंदिर में बैठकर जो है कीर्तन कर रहे थे, और आप पत्रकार बंधुओं ने उसको कवर भी किया है। उसके लिए आप सबको साधुवाद, इसलिए कि इस तरह के संदेश जाने चाहिए, ये जेल के बाहर से, जेल के अंदर से जेल के बाहर इस तरह के संदेश जाने चाहिए कि कैसे समाज में हम मिलजुल कर रहे हैं। जो मिसाल हम लोगों ने नवरात्र के दिन देखा, आज मैं आपको बताऊं कि लगभग 40-45 हिंदू भाई रोजा व्रत रखे हुए हैं। मैं उसकी आपको सूची अलग से बनवा कर दे दूंगा। और अब अच्छा, एक परमात्मा का सामंजस्य देखिए कि उसने दोनों को एक में मिला दिया। केंद्रीय कारागार में 24 से 30 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इसके बाद 31 मार्च को भंडारा होगा। जेल के अंदर भागवत सुन रहे कैदियों को आप देख सकते हैं, कैदी किस तरह लगन से कथा सुन रहे हैं। कथा के दौरान भजनों पर पंडाल तालियों से गूंज रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आनंद हिंदुओं के साथ मुस्लिम बंदी भी ले रहे हैं। जेल की चार दीवारी के अंदर का नजारा अलग ही दिखाई दे रहा है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।